हाय एवरीवन, ये रहा डबल चूल्हा और इसमें लगी हुई पाइप ये है, ये पाइप लगी हुई है। तो पाइप हमारी कब ख़राब हो जाती है, चलिए इसकी पहचान मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, पाइप ख़राब होने का पहचान, पाइप इस तरह से जब करेंगे पाइप चिटक जाएगी। देखिए चिटक रही है पाइप, बिल्कुल इस तरह से दबाएंगे, देखिए फट रही है, चिटक रही है। कहीं से भी आप इस तरह से इसको करेंगे, ये देखिए ये पाइप चिटक रही है, दरारें आ रही हैं इसमें, ये देखिए दोस्तों। तो ये पाइप बिल्कुल सड़ चुका है, ख़राब है, इसका लचीलापन ख़त्म हो गया है। देखिए इस तरह से करेंगे तो ये चिटक जाएगा, नई पाइप होती है वो इस तरह से नहीं चिटकेगी, नहीं ख़राब होगी। तो दोस्तों, यदि इस प्रकार के कंडीशन वाली पाइप हो जाती है आपकी, तो उसे तुरंत आप रिपेयर कर देंगे, तो तुरंत आप उसे चेंज कर देंगे। देखिए सारी पाइपों पर क्रैक के निशान हैं, ये देखिए। यदि पाइप पर क्रैक के निशान आ जाते हैं तो समझिए हमारी पाइप बिल्कुल ख़राब है और उसे हम चेंज कर देंगे। यहाँ देखिए चूल्हे के पास भी ये क्रैक बता रहा है सब, यदि इस तरह का क्रैक आ जाता है तो उसे तुरंत आप चेंज कर दें, ठीक है दोस्तों, नहीं तो दुर्घटना भी हो सकती है। तो इस पाइप को मैं चेंज कर देता हूँ, हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही पाइप लगाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है अच्छी वाली पाइप। और दोस्तों, पाइप पर डेट भी लिखा रहता है, जैसे इस पर लिखा है चेंज बिफोर 2029, वैसे इस पर भी लिखा रहेगा। इस डेट को भी देख कर आप पता कर सकते हैं, यदि डेट मिट गया है तो मेरे बताए गए तरीके से आप पहचान करके पाइप को, अपने गैस स्टोव के पाइप को, LPG गैस स्टोव के पाइप को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये नई पाइप है, इसको आप देखेंगे, यदि इसको इस तरह से करेंगे इसमें क्रैक नहीं आएगा। देखिए इस तरह से हमने पूरा दबा दिया, इसमें ज़रा सा भी क्रैक आपको नहीं मिलेगा। तो ये पाइप लूज होती है, ये देखिए इसमें क्रैक नहीं आएगा दोस्तों। तो चलिए इस पाइप को मैं लगा देता हूँ। तो पाइप को मैंने चेंज कर दिया है, ये देखिए पाइप नया लगा दिया है। तो दोस्तों, पाइप नया लगाने के बाद यहाँ पर क्लिप ज़रूर टाइट करें। इसका क्या काम होता है, देखिए दोनों तरफ लगाना है, दोनों साइड लगाना है, एक वहाँ पर एक यहाँ पर। इसका काम होता है दोस्तों, जब हमारा ये रेगुलेटर हाई प्रेशर बन जाता है तो यही बचाता है, पाइप निकलने से यही क्लिप बचाती है। तो सेफ्टी के लिए क्लिप को लगाना आवश्यक है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।